नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ उस महान नेता को लेकर जिसे लेकर आज भी चर्चा होती है और इस नेता का नाम इतिहास में रच दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजय गांधी की। संजय गांधी जिन्होंने इतिहास तो रचा अपनी जिंदगी में ऐसे काम करके कि आज भी संजय गांधी को याद किया जाता है। लेकिन आज हम आपके सामने खुलासा करने वाले हैं संजय गांधी के साथ साथ नोएडा का। वैसे ये नोएडा शब्द भले ही 5 शब्दों का है, लेकिन इस नोएडा के पीछे की कहानी क्या है, नोएडा की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, नोएडा के साथ क्या कनेक्शन है संजय गांधी का, देखिए ये खास रिपोर्ट। हेलो, नोएडा से कैसे है संजय गांधी का कनेक्शन, कैसे बना नोएडा से संजय गांधी का कनेक्शन, तो बता दें कि साल 1975 में जब इमरजेंसी के दौरान सबसे पहले उठी थी नोएडा बनाने की बात। जी हाँ, संजय गांधी ने यूपी के तत्कालीन सीएम एनडी तिवारी को बुलाकर चर्चा शुरू कर दी थी। प्रदूषण फैलने वाले सभी इंडस्ट्रीज को दिल्ली से बाहर बसाने की योजना की थी। संजय गांधी का प्लान था कि भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य बहुत ही जल्द किया जाना चाहिए। जनता पार्टी की सरकार आने पर संजय गांधी और एनडी तिवारी को भेज दिया गया था नोटिस। शुरुआत में सिर्फ 10 सेक्टर बनाने का प्लान था, बाद में बाकी के निर्माण भी शुरू हो गए। अब नोएडा में हर दिन कई करोड़ लोग नौकरी और रोजगार के लिए आते हैं, तो इस तरह से संजय गांधी का कनेक्शन नोएडा के साथ बना। इसके पीछे की और कहानी क्या है, तो बताते चले कि यहाँ पर ये तो शुरुआत थी। दरअसल नोएडा की स्थापना की पहल इमरजेंसी के उस दौर में हुई थी जब दिल्ली के तमाम रिहायशी इलाकों में औद्योगिक इकाइयों का संचालन हो रहा था। संजय गांधी उस रोज लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे और जहाज में ही उन्होंने तत्कालीन सीएम नारायण दत्त तिवारी से नोएडा नाम का एक औद्योगिक शहर बसाने की बात की थी। आपको बताते चले कि सन 1976 के उस दौर में देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, हजारों लोग जेल में बंद थे और सारे देश में प्रशासनिक हनक के चोर पर मीसा कानून की गिरफ्तारियां हो रही थी। आपको बता दें कि आपातकाल के उस दौर में संजय गांधी यूपी के तत्कालीन सीएम नारायण दत्त तिवारी के साथ लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। विमान दिल्ली की सीमा में दाखिल हुआ उससे पहले ही संजय को दिल्ली के बाहर यमुना के किनारे खेतों का एक इलाका दिखाई दिया। खिड़की से झांकते संजय ने उसी वक्त सीएम नारायण दत्त तिवारी को औद्योगिक विकास के लिए शहर बनाने का, उसे बसाने का एक आइडिया दिया। कहा जाता है कि इसी प्रस्ताव पर उसी वक्त तिवारी सरकार ने सहमति दी और फिर अप्रैल 1976 में नोएडा की स्थापना के लिए प्राधिकरण बनाया गया। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए संजय गांधी ने कैसा क्षेत्र चाहते थे जहां पर दिल्ली में लगाई गई सारी यूनिट्स को शिफ्ट किया जा सके, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में उस वक्त शिफ्ट किया जा सके। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में उस वक्त शीर्ष पद पर रह रहे अफसर कहते हैं कि जब एनडी तिवारी को यह प्रस्ताव किया गया तो दिल्ली के तमाम इलाकों में फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा था। दिल्ली में आवासीय क्षेत्रों से लेकर बाहरी इलाकों तक में तमाम औद्योगिक इकाइयों को लगाया गया था। संजय गांधी की मंशा थी कि अगर इन्हें किसी बाहरी शहरी इलाके में शिफ्ट किया जाए तो दिल्ली का प्रदूषण कम हो सकेगा और कई इलाके भी खाली हो जाएंगे। संजय गांधी और तिवारी जिस यात्रा में नोएडा का प्लान बना रहे थे उसमें संजय ने यमुना के पार के इलाके को देखा। नारायण दत्त तिवारी जिन्हें उस वक्त न्यू हेल्दी तिवारी कहा जाता था, वो दिल्ली के हर आदेश की तामील शब्दश कराते थे। आपको बता दें कि आपातकाल के उस दौर में भी संजय गांधी की हनक ऐसी थी कि उनका प्रस्ताव भी किसी देश जैसा ही होता था। सो दिल्ली और वर्तमान नोएडा के हिस्से में खेतों की जमीन पर एक औद्योगिक शहर बनाने का प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका था। लखनऊ की फाइलों में नोएडा की नींव रखी गई और 17 अप्रैल 1976 को एक ऑडियंस के रूप में यूपी सरकार की कैबिनेट ने यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस 1976 को मंजूरी दे दी। नोएडा बनाने के लिए उस वक्त सरकार की जल्दी कितनी थी,
इससे समझा जा सकता है कि उस वक्त इस शहर के गठन के लिए सरकार ने लैंड एग्जीबिशन लो यानी कि भूमि अधिग्रहण कानून की एजेंसी क्लोज को यहां पर लागू कर दिया था। शुरुआती तौर पर गाजियाबाद बुलंदशहर के तमाम हिस्से अधिग्रहण किए जाने लगे। आज जिस हिस्से में नोएडा का सेक्टर 12-22 और लेबर चौक है वहां के इलाके अधिग्रहण की सूची में सबसे पहले आए। चोड़ा रघुनाथपुर निठारी के साथ हिस्सों का अधिग्रहण शुरू हुआ और सरकार पर कई इलाकों में जबरन जमीन कब्जे करने के आरोप भी लगे। किसानों का कहना था कि सरकार ने उनसे जो जमीन ली उसके लिए प्रति गज 3-4 रुपए का रेट दिया गया। इन फैसलों का विरोध भी शुरू हुआ और कई किसानों ने जमीन देने और मुआवजा लेने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को ले गए। सन 1976 में प्रशासनिक अस्तित्व में आए नोएडा का पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी रख दिया गया। साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 6,37,000 थी। इसमें 3,39,000 पुरुष और 2,87,000 महिलाएं थी। नोएडा का आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर है और इसका प्रशासनिक मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। सन 1976 से अब तक 80 गांवों के जिले नोएडा के दायरे से आगे बढ़ने लगे। दादरी से लेकर खुर्जा के बीच नोएडा का विस्तार किया गया। यहां पर रेलवे लाइन और जीटी रोड के बीच 80 और गांव अथॉरिटी के क्षेत्र शामिल किए गए। इसके नोटिफिकेशन शासन की ओर से शुक्रवार को जारी किया गया था। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के किनारे इन 80 गांव में अब तक दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने की तैयारी की गई थी। इसकी जिम्मेदारी यूपी सीडा को दी गई थी। स्थापना के बाद से अब तक नोएडा अथॉरिटी का 80 गांव का कार्य क्षेत्र था। अब 80 और गांव शासन नोएडा अथॉरिटी के एरिया में शामिल करेगा। इस तरह से नोएडा अथॉरिटी का दायरा अब 160 गांव का हो जाएगा। ये नए शामिल होने वाले इन गांव में 60 बुलंदशहर के हैं तो 20 गौतम बुद्ध नगर के हैं। इस तरह नोएडा अथॉरिटी का दायरा अब 160 का हो जाएगा। तो ये है पूरी खबर नोएडा को लेकर। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट। नोएडा की उस राज पर से पर्दा उठाया है हमने जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली, हर कोई अप डाउन करता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं नोएडा के पीछे की कहानी, जिसके साथ हमने आपको रूबरू करवाया और साथ ही आपको बताया कि आखिर नोएडा के पीछे की असली कहानी क्या है। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये रिपोर्ट, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।